फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रिबूट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो ये पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपका जो ये मैसेज का ऐप है, इस मैसेज का आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये छोटा सा पेज आता है, इसमें सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। आपका ये मैसेज का ऐप इन्फो का पेज आएगा, इसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका पेज आता है, इसमें क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये भी आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर है सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन दोबारा से टैप करना है, ठीक है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।